बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स और कुछ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर साल की ऑफिशियल छुट्टियों के हवाले से वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ओमान के सुल्तान जलालत और सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से पूरे साल के हवाले से ऑफिशियल तौर पर जो छुट्टियाँ होंगी वो अनाउंस कर दी गई है। इसके हवाले से मजीद आप लोगों को बता दें, आप लोग देख सकते हैं एक और ये स्टेटमेंट शाया हुई है। इसके अंदर एक मजीद छुट्टी जो अनाउंस की गई है 11 जनवरी के हवाले से, जब सल्तनत ऑफ ओमान के नए बादशाह बने थे सुल्तान कबूस की वफात के बाद सुल्तान हैतम बिन तारिक। उस दिन भी इंशाल्लाह जल्द छुट्टी होगी ऑफिशियल तौर पर हर साल। इसके अलावा मुकम्मल तफसीलात बताई गई है, आप लोग देख ही लें मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर सबसे पहले मुहर्रम की, फर्स्ट मुहर्रम की छुट्टी होगी। सल्तनत के अंदर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से छुट्टी होगी। असरा मेराज के हवाले से छुट्टी होगी 27 तारीख को महीने की। इसके अलावा नेशनल डे की 18 और 19 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर की गई है। इसके अलावा 11 जनवरी के हवाले से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, छुट्टी होगी सल्तनत के अंदर। ईद उल फितर की छुट्टी होगी और 29 रमजान की छुट्टी होगी। और इसके अलावा ईद उल अजहा की छुट्टी होगी 9 से लेकर 12 तारीख तक, यानी कि ये तमाम छुट्टियां अनाउंस की गई हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ओमान के सुल्तान की तरफ से। तो ये माशा से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, एक और मजीद छुट्टी आप लोगों को मिल गई। तो अल्लाह ताला सी दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर रखे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर और तमाम लोगों की इंशाल्लाह अज़्जल और ओमान के सुल्तान की भी खैर करे, आमीन इंशाल्लाह। तो यही इस वक्त की अपडेट्स और आफ़ज़ल अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।